आप देख रहे हो रविवार 10 बजे। और आपको बता दें कि टेबल टॉप एयरपोर्ट सभी असुरक्षित नहीं है, बाकायदा उनको लाइसेंस मिलता है। मैंगलोर में भी यही बात है, आइजोल में भी है, काठमांडू में भी है, कभी उन पर सवाल नहीं खड़े हुए। इसीलिए हम इस भ्रम को दूर करना चाहेंगे कि जो भी टेबल टॉप एयरपोर्ट होता है वो खतरनाक हो सकता है। बाकायदा पायलटों को इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है, लेकिन तब भी सवाल उठता है कि आखिरी 20 सेकंड में क्या हुआ होगा। ग्रुप कैप्टन मेहता, आपसे पूछना चाहूंगा, इजाजत मांगता है, इजाजत मिलती है, लैंड होता है, लैंड तब तक बात हो रही है, 20 सेकंड में क्या हुआ होगा? 20 सेकंड में अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा, वो इन्वेस्टिगेशन, वो ब्लैक बॉक्स सब कुछ दिखाएगा। अभी ये ब्लेम गेम है, हम बोले कि अगर पायलट ने गलती की है क्यों की है, उसको ब्लेम नहीं करना चाहिए कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांस उसने ये किया, वो हमको पता करना है। और जो अभी मैंने आपका सुना था कि वो एटीसी से टैक्सी के बात कर रहा है, ये प्रोसीजर होता है कि आफ्टर द एयरक्राफ्ट लैंड्स एटीसी उसको बोलता है कि प्लीज कंफर्म व्हेन यू क्लियर द रनवे एंड देन ही गिव्स टैक्सी परमिशन टू कम टू द बे। तो इसमें यह कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि वो उसको बोल रहा है कि तू टैक्सी करो, उन्होंने देखा कि लैंड कर गया तो ही मस्ट हैव आस्क्ड क्लियर द रनवे एंड लेट मी नो। उसके लिए वो टैक्सिंग परमिशन देता कि कौन सा बे उसको अलॉट करते हैं, आके पार्क करना चाहिए। तो ये है नहीं कि उसको एटीसी ने बोल दिया कि टैक्सी, एटीसी कैन नॉट टेल हिम टू टैक्सी बिकॉज टिल ही कम्प्लीट द लैंडिंग, टिल ही क्लियर द रनवे एंड ही कन्फर्म। थैंक यू। मैं बीच में आपको टुकड़ा माफी चाहता हूँ, वक्त की कमी है और जिस मिलाकर तो कुल मिलाकर देखा जाए सस्पेंस अब भी है कि आखिर कैसे ही एक्सीडेंट हुआ। 20 सेकंड पहले तक सब कुछ ठीक ठाक था, सब कुछ नॉर्मल था, और आखिरी 20 सेकंड में सब कुछ बदल गया। इस सस्पेंस में से पर्दा उठेगा ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद, लेकिन ब्लैक बॉक्स को ढूंढने का काम आज बीच में रोकना पड़ा, कल दोबारा शुरू होगा। आज तक की तरह नजर लगातार बनी रहेगी, हम आपको बताते रहेंगे कि क्या कुछ हो रहा है मैंगलोर में इस पूरे हादसे को लेकर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।